अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जा रहा है। 2 अप्रैल है आज और पहला मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, जो कि अच्छा साबित हुआ है। अब तक अच्छा ही साबित हो रहा है। 25 ओवर का खेल हो चुका है और 111 रन जो है साउथ अफ्रीका ने बना लिए, 4 विकेट गिर चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी ने जबरदस्त किस्म का कारनामा कर दिखाया। स्टार्ट में ही विकेट्स लेकर पाकिस्तान को अच्छी कामयाबियाँ दिलवाकर पाकिस्तान टीम को इस मैच में मजबूत बना दिया और ऐसे ही लड़की जो है दीवानी हो चुकी है। बाकी आपको मजीद डिटेल से बताते हैं इसी वीडियो में, तो इसलिए इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को एक बढ़िया बॉलर समझते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। जो जो शाहीन शाह अफरीदी को बढ़िया बॉलर समझता है वही इस वीडियो को लाइक करेगा और शाहीन शाह अफरीदी के लिए नीचे कॉमेंट में कुछ लफ्ज लिखने हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मजीद क्रिकेट की वीडियोज आपको मिलती रहे। दोस्तों पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल कर दी है। कमेंटेटर लड़की और लड़का जो है दोनों ही दीवाने हो चुके हैं और शाहीन शाह अफरीदी की तो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा दीवानी हो चुकी हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज बॉलिंग की है। सो शाहीन शाह अफरीदी ने इस टाइम तक 2 विकेट्स ली हैं। 1 विकेट मोहम्मद हसनैन ने ली है और 1 विकेट फहीम अशरफ ने ली है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने 2 बड़ी विकेट्स ली हैं और शुरू में कामयाबी दिलवाई है, इसीलिए पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी। अब यहाँ पर दोस्तों एक मुश्किल पेश आ चुकी है। पाकिस्तान को 25 ओवर का खेल हो चुका है, 115 रन अब हो चुके हैं। वीडियो मैं बना रहा हूँ साथ साथ स्कोर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी ऊपर हो रहे हैं, नीचे तो नहीं हो सकते। सो यहाँ पर दोस्तों रसिड वर्डरसन और डेविड मिलर ये दोनों खेल रहे हैं। रसिड वर्डरसन 30 पे और डेविड मिलर 36 स्कोर पे खेल रहे हैं। इनकी विकेट हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। शाहीन शाह अफरीदी इनकी भी इंशाल्लाह विकेट हासिल करेंगे और पाकिस्तान टीम को जो है अच्छा जो है टोटल पाकिस्तान टीम को मिलेगा, जो पाकिस्तान टीम आसानी से चेज़ कर लेगी।